हरियाणा के सोहना के तहसील कार्यालय में तहसील परिसर में काम कर रहे अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री पंजीकृत कराने के लिए टोकन को लेकर किया हंगामा। आज हम सोहना तहसील कार्यालय में तहसीलदार बंसीलाल जी से बातचीत करने हैं। बंसीलाल जी अपने तहसीलदार हैं, उनके बारे में बातचीत करने हैं। तहसीलदार साहब, कल जो वकीलों ने सोहना तहसील कार्यालय में हंगामा किया था, किस बारे में किया था वो रजिस्ट्री को लेकर? ऐसा है, कल एक तो पहली बात तो सर्वर डाउन था, बंद था। दूसरा, ये ऑनलाइन तो जो टोकन होते हैं, ऑनलाइन टोकन 50 है सरकार की तरफ से, 25 एडवांस में जो लेते हैं और 25 तहसील से दिए जाते हैं। 25 जो तहसील से दिए जाते हैं वो पार्टी को दिए जाते हैं। इसी को लेकर इन्होंने किया था, ये हमें दिए जाते हैं। वकीलों का आरोप था कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार कोई भी अधिकारी है वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्री जो पंजीकृत करते हैं उनको पहले व्हाट्सएप पर कर देते हैं, उसके बाद किसी को टोकन नहीं दिया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सब कानून बातें ही है। अपना प्रेशर नीचे से इकट्ठे होकर आ जाते हैं और अपना हमें जो टोकन सीधी पार्टी को देते हैं उस पर भी ऑब्जेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी को दिए जाते हैं सब। अब रजिस्ट्रियाँ कौन कौन सी आप कर रहे हैं और किस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है आपने? नहीं, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। यहाँ DTP के कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो अप्रूव करते हैं वो रजिस्ट्री की जाती है और जो सिंपल है, जो होने वाली है एज पर लॉ। जिस वकीलों का आरोप है कि तहसील में जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं सबसे ज़्यादा 7A की और उसमें ज़्यादा कर्म मारुति कुंज की भोंस की बता रहे हैं कि उनमें पैसे लेते लेकर ज़्यादा काम। ऐसा कुछ नहीं है, जो होती है सब एज पर नॉर्म होती है। और DTP के अभी तो कर्मचारी बिठा दिए, सारा उनके संज्ञान में, और जो वो चेक करते हैं उसी के हिसाब से होता है, जिसमें रिक्वायर्ड रहते हैं उसमें। तहसील कार्यालय में जो वकील बैठे हैं रजिस्ट्री करवाते हैं, उनको आरोप इसलिए क्यों कहते हैं आपके बारे में? इस बारे में फिर नहीं, आपकी कोई इनके बारे में बातचीत हुई है वकीलों से? फिर नहीं, मैंने आज बुलाए थे, उनसे बातचीत की थी, वो ये कह रहे थे टोकन दिया जाए, हम बताएंगे उसी हिसाब से टोकन देना। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा जो पार्टी पहले आएगी तो उसको। आप पार्टी को अपने खुद आने पर करते हो या वकील के द्वारा करवाते हो आप टोकन जो दिलवाते हो आप? मैं नहीं, पार्टी जो आएगी उसको। और वकील जो आते हैं उनको ऑनलाइन पहले लेते हैं, बाद में आते। सोना से KKD न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट।